हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लान के बारे में जो कि आपका 2 BHK के दो फ्लैट बन रहे हैं। इसमें तो इस प्लॉट का साइज है आपका 44 फिट बाई 40 फिट, जिसमें से आपका 2 फिट आगे को छोड़ा गया है, बाकी आपके 44 फिट बाई 38 फिट में ये प्लॉट डिजाइन किया गया है। तो चलिए वीडियो के एंड तक देखते हैं और पूरा आपको डिटेल में समझाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस आपको बता दें कि ये आपका जो है ईस्ट फेसिंग है और इसमें फुल फैसिलिटी आपको दी गई है। इस तरफ आपकी जो प्लान की डिटेल है वो दिया गया है, पूरा ये आपका ईस्ट फेस शो हो रहा है। तो गाइस इसकी हम पूरी सीरीज लाने वाले हैं, तो इसमें किस तरह से ये आपकी ये प्लानिंग हुई है, किस तरह से फिर ये आपकी जो एकदम सेंटर लाइन लेआउट होगा, किस तरह से आपका फुटिंग का डिजाइन होगा, किस तरह से आपका कॉलम का डिजाइन होगा, किस तरह से आपका बीम का डिजाइन होगा और किस तरह से आपका स्लैब का डिजाइन होगा, ऑल डिटेल में ये ड्राइंग आपकी 4 स्टोरेज बिल्डिंग के लिए हम बनाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो अब आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप देख सकते हैं ये आपका जो है एंट्रेंस यहाँ पे दिया हुआ है स्टेयरकेस के नीचे, क्योंकि यहाँ पे गाइस जो है कि यहाँ पे 7 फिट 10 इंच के स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्हें कार पार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। कार पार्किंग का इनका एक साइड में एरिया छूटा हुआ है, तो वहां पे ये कार पार्किंग अपनी करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ से इनका मेन एंट्रेंस रहेगा और यही गैस इनकी लैंडिंग पड़ेगी। तो यहाँ से जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 फिट 6 इंच जगह ये है और 10 इंच ये वाला है, तो आपका यहाँ पे 4 फुट 4 इंच जगह ये स्पेस मिल जाएगा ये गैली टाइप में, और यहाँ से ये पूरा मिल जाएगा लैंडिंग। ठीक है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं अंदर के लिए और यहाँ से अपने स्टेयरकेस पे, ये स्टेयरकेस दोनों का कॉमन है दोनों फ्लैट का। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आप शो हो रहा है, तो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे ये लैंडिंग पड़ेगी 7 फिट 10 इंच की, फिर यहाँ से आप वापस चले जाएंगे। ओके, फिर सेम कंटिन्यू यही चीज चलती रहेगी, ये कंटिन्यूस स्टेयरकेस है। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर के बारे में ग्राउंड फ्लोर के बारे में आपको फर्स्ट फ्लैट में लेके चलते हैं। तो जैसे यहाँ से आपको एंट्री मैन 3.5 फुट की मिल जाती है, यहाँ से जैसे एंट्री करेंगे तो आपको डाइनिंग एंड हॉल मिलेगा। इसमें आपका साइज है गाइस 21 फिट 1 इंच बाई 11 फिट 4 इंच इसका, जो काफी अच्छा साइज है। यहाँ पे फुल फैसिलिटी आपको दी गई है, देख सकते हैं इस तरह से आपके 2 BHK का है इस उसके अकॉर्डिंग। अब ये वाला जो आप यहाँ से एंट्री करेंगे 3 फिट का गेट पड़ेगा और यहाँ से आपका गाइस बेडरूम मिलेगा 10 फिट 6 इंच बाई 12 फिट 6 इंच का, जो कि काफी शानदार है। और यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में एक विंडो 4 फुट की मिल जाती है और ये आपकी बालकनी है। बालकनी है फर्स्ट फ्लोर पे आपको शो होगा, यहाँ पे गेट रहेगी बालकनी में जाने के लिए। ओके, फिर उसके बाद आगे जाने पर आपको एक किचन मिलता है, किचन का साइज है आपका 6 फुट 2 इंच बाई 12 फिट 6 इंच। ओके, तो यहाँ से आप एंट्री करते हैं गेट के इसके लिए किचन के लिए, तो इस तरह से आपका किचन है। इसमें एल शेप में आपकी स्लैब डिजाइन होगी किचन काउंटर, और यहाँ पे अपना जो है फ्रिज का ऑप्शन रख सकते हैं। इसमें वेंटिलेशन के लिए विंडो 3 फिट की दी गई है। आगे का इस आइए आपके OTS और बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे एक OTS दिया हुआ है बेडरूम और लोबी के जो और वेंटिलेशन के लिए, तो 3 फिट की विंडो अंदर साइड चढ़ेगी, 3 फिट की आराम से आपकी डाइनिंग की तरफ प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे वेंटिलेशन होता रहेगा। तो इसका OTS का साइज आपका 3 फुट 6 इंच बाई 2 फिट। अब आगे आप चलते हैं बेडरूम में, तो बेडरूम का साइज गाइस आपका 12 फिट 6 इंच बाई 12 फिट का, तो ये काफी अच्छा प्लान है। आप देख सकते हैं इसी में एक अटैच लाइट बाथ दिया हुआ है, तो इस अटैच लाइट बाथ का साइज आपका 8 फिट 3 इंच बाई 4 फिट 6 इंच है। तो इसमें इस तरह से ये वेंटिलेशन के लिए ये वेंटिलेटर दिया गया है यहाँ पे, 2 फिट का 2.5 फिट का यहाँ पर डोर दिया गया है।
सेकेंड आपका जो कॉमन लेट पाथ है वो ये रहा। कॉमन यहाँ से एंट्री करेंगे और आप यहाँ पे जो है कि इसका साइज है 6 बट 7 इंच बाई 4 बट 10 इंच, और यहाँ पे इस तरह से आप वेंटिलेशन दे सकते हैं। आगे जगह ये गैस 2 फिट इसलिए छोड़ दिया गया है, यहाँ पे अपना आप वाशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे वाश बेसिन भी लग जाएगी। ये OTS है गैस, इसमें वेंटिलेशन के लिए OTS छोटे छोड़ा गया। ये OTS का साइज आपका 3 फिट बाई 7 फिट 2 इंच है। ओके, अब चलते हैं गैस नेक्स्ट दूसरे फ्लैट में। दूसरे फ्लैट में एंट्री करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 फिट का जो है गेट दिया गया है। बाकी डाइनिंग हॉल का साइज सेम है, और उसके बाद ये किचन इस साइड दिया गया है। इसमें किचन का साइज आपका 6 बट 2 इंच बाई 12 बट 6 इंच है गाइस, और इसमें 3 फिट का विंडो दिया गया है। आगे जाने पर आपको एक बेडरूम मिलता है, ये गेस्ट बेडरूम है गाइस। इसमें 10 फिट 6 इंच बाई 12 फिट 6 इंच का सेम बेडरूम है, तो इसमें दो साइड में विंडो दी हुई है, क्योंकि इस साइड में जो है नॉर्थ साइड में इनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो ओपन एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डाइनिंग हॉल का साइज सेम है, और इसमें वेंटिलेशन के लिए आउटर साइड में ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो कॉमन लेट बाथ है वो ये रहा। कॉमन लेट बाथ का साइज है 6 फुट 7 इंच बाई 4 फुट 10 इंच, सेम है आपका। 2.5 फुट का यहाँ पे भी गेट लग जाएगा, और इस तरह से वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर दिया हुआ है, और आगे लॉबी एंड हॉल के लिए आपके यहाँ पे विंडो दी हुई है। तो सेम उसी की तरह आप यहाँ पे भी अपनी वाशिंग मशीन और वाश बेसिन से लगा सकते हैं। आप एंट्री करते अपने बेडरूम में, मास्टर बेडरूम का साइज आपका 12 फिट 6 इंच बाई 12 फिट का है गाइस, और इसमें अटैच लेट बाथ दिया हुआ है, जिसका साइज है आपका 8 फिट 3 इंच बाई 4 फिट 6 इंच। इसमें इस तरह से वेंटिलेशन इधर को दिया हुआ है, और इसमें एक आउटर साइड में एक विंडो दी हुई है, जिससे जो कि प्रॉपर वेंटिलेशन देता रहेगा, और इसका साइज भी गाइस आपका 4 फिट है। तो आई होप आपको ये प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट प्लान के साथ में, और इसकी संपूर्ण जानकारी अगर चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड हम वीडियो बना के लाते रहेंगे। इस प्लान की फुल डिटेल, फुल डिजाइन के बारे में हम इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपना बिल्डिंग डिजाइन करवा रहे हैं या बनवा रहे हैं, तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखें, उसके लिए कौन कौन सी ड्राइंग आपको बनवानी होती हैं, वो सारी ड्राइंग्स के बारे में आगे वीडियो में हम बताते रहेंगे। तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना भी प्लान बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।